नड्डा जी की तस्वीर के पीछे नरेंद्र मोदी जी की हार को मत छुपाइए, ये नरेंद्र मोदी जी की। गदा लेकर लोग वहां पर पहुंच गए हैं, हम फिर से आपका रुख करेंगे, जश्न है। कर्नाटक चुनाव का जो नतीजा अब तक निकल कर बाहर आया है उससे साफ है कि बजरंगबली का गदा भाजपाइयों के सर पर लगा है और कर्नाटक की हार भाजपा की हार नहीं बल्कि मोदी और शाह की हार है। राहुल गांधी और उनके नेताओं ने जनता से अपील की थी कि 40% कमीशन वाली सरकार को 40 सीटों पर समेट दीजिए और अब आंकड़ों में जो बदलाव हो रहा है ये साफ संकेत दिखा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आज तक पर बैठकर जैसे ही अंजना को नसीहत दी कि नड्डा के तस्वीर के जरिए मोदी की हार को मत छुपाइए तो यह सुनना था कि अंजना भाग खड़ी हुई। वहीं पवन खेड़ा भी मीडिया के इस दोहरे चरित्र पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें कांग्रेस 128 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है और भाजपा का खेल 68 से भी कम सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। भाजपा के एक बड़े नेता और मंत्री रहे आर अशोक ने दावा किया था कि भाजपा हारे या जीते सरकार तो ऑपरेशन लोटस के जरिए भाजपा ही बनाएगी। तो ऑपरेशन लोटस का दावा करने वाले बीजेपी के नेता खुद अपना चुनाव हार गए हैं और उन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार डीके शिवकुमार ने हराया है। जैसे ही चुनावी परिणामों में कांग्रेस को बढ़त मिली, कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस बात का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के साथ भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद बताया है। इस जीत से गदगद नेता जश्न मनाते और मीडिया से बात करते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बात करते समय वो मीडिया के एजेंडे को एक्सपोज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जब आज तक से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि नड्डा जी के फोटो के सहारे मोदी की हार को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ये सब बोल रहे थे तभी अंजना इमरान का इंटरव्यू बीच में रोक कर भाग खड़ी हुई, क्योंकि अंजना को लग गया कि इमरान प्रतापगढ़ी अपने अंदाज में इस मीडिया की गोदीगिरी पर और अच्छे से धज्जियां उड़ा सकते हैं, ऐसे में भागना ही बेहतर है। हमने आपको कल ही दिखाया था कि कैसा अंजना मोदी के बचाव में कूद पड़ी थी और कह रही थी कि कर्नाटक में हार का जिम्मेदार मोदी नहीं है और जो लोग मोदी के नाम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे वो बस राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके मोदी जी सिर्फ चुनाव जिताते हैं और जब हार होती है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया के इसी दोहरे चरित्र पर बात करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव हार रही हो तो टेलीविजन में नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस चुनाव जीत रही होती है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है, गजब है। तो इन सब के बीच जिस तरह अब चुनावी परिणामों में बदलाव आ रहा है वो बताने के लिए काफी है जो बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहते थे कि 40% कमीशन वाली सरकार को 40 सीटों पर निपटा दीजिए, तो क्या शाम होते होते भाजपा 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस 128 से ज्यादा सीटों पर बढ़त है और बीजेपी का आंकड़ा लगातार घट रहा है और अब 67 सीटों से भी नीचे जा रही है। ऐसे में हमें लगता है कि फाइनल नतीजा आएगा वो यकीनन भाजपा की नींद उड़ाने वाला होगा। तो भाजपा की बुरी हार और कांग्रेस की होने जा रही जबरदस्त जीत पर और उसके साथ मीडिया द्वारा पीएम मोदी के बचाव वाले खेल पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।